हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कृष्णा उड़ीसा के कृष्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का एक नया टाइप का ब्रेकफास्ट। तो चलिए फिर कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, गैस की फ्लेम को बड़ा हाई किया हूँ। उसके बाद एक बाउल में लेके उसी हिसाब से दो बाउल मैंने ली है सूजी। उसके बाद गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब ज़्यादा नहीं, इतनी उबला हुआ पानी फिर रखेंगे, यहाँ पर लगेगा उबला हुआ पानी, तो थोड़ा सा भूनने लगी हम सूजी को। तो देखिए ऐसा हुआ है, भून के मैं एक बाउल में फिर उसको ट्रांसफ़र कर दी हूँ। फिर देखिए कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें रिफाइन ऑयल ला ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा राई, देखिए वेजिटेबल मैं ली हूँ, उसके लिए एक बड़ा सा, मतलब चलिए देखते हैं क्या क्या ले रही हूँ मैं, दिखा दी उसमें। एक बड़ा सा प्याज को मैं कट कर दिया था, उसको मिक्स कर दूँगी अभी। उसको थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। उसके बाद दो हरी मिर्च ली हूँ बीच में कट करके, थोड़ा सा अदरक जो कि कद्दू, मतलब छोटा छोटा बारीक बारीक कटा हुआ अदरक, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखिए हो गया, अभी मिक्स हो गया थोड़ा सा, फिर मैं करी पत्ता डालूँगी। सच में गाइस, एक बार ज़रूर बनाए ये वाला ब्रेकफास्ट, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं बारीक कटा हुआ, मतलब गाजर डालूंगी। अभी अपने हिसाब से कटिए, मैं तो ऐसे काटी हूँ, ऐसे कट करके रखी हूँ। थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा मतलब एक बड़ा सा टमाटर ली हूँ। देखिए ऐसे मिक्स कर दूंगी मैं अभी। अभी थोड़ा सा नमक, इतना क्वांटिटी के अनुसार लेंगे आप। थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से, और थोड़ा सा ढककर पका दूंगी ताकि जो गाजर मटर है अच्छे से पक जाए, टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। एक से दो मिनट तक हम मतलब भुनेंगे उसको, मतलब पकाएंगी, उसके बाद देखेंगे। देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। उसके बाद डाल देंगे हम जो भून के रखे थे सूजी को। देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। उसके बाद थोड़ा सा चीनी, मतलब थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए, मीठा खट्टा वाला वैसे वाला, तो दो चम्मच मैंने ली हूँ यहाँ पर चीनी। देखिए अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अभी मैं जो उबला कर रखे थे पानी, गरम पानी, उसको डालूँगी। ठंडे पानी यहाँ पर टोटली यूज़ नहीं करना है हमें, नहीं तो गुठली गुठली टाइप का हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ऐसे करके मिक्स कर देंगे हम अच्छे से, ताकि वो जितना भी मतलब जो भी हम वेजिटेबल डाले हैं और जो भी मिक्स करें हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो जाए सूजी के साथ। देखिए इतना अच्छा दिख रहा है, कलर भी आ गया है हमारा, हल्दी कलर इतना अच्छा दिख रहा है। इसे पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसे भून लेंगे हम अच्छे से, पका देंगे उसको ताकि वो सूजी भी पक जाए अच्छे से। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पक रहा है। अभी ऐसे करके और पानी हम सब डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, एक साथ नहीं डालिए। कितना अच्छा दिख रहा है देखिए गाइस, सच में एक बार ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, मतलब सबके लिए ही अच्छा है, क्यों ना हम फ़ायदा उठाए। ये सीजन है सब वेजिटेबल का, तो हम उसका अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए, सब में यूज करना चाहिए। देखिए गाइस कितना अच्छा से बन गया मेरा ब्रेकफास्ट। वो गुठली गुठली टाइप का है ना, उसको हम अच्छे से वो जो है हम चम्मच में उसको
अच्छे से गर्म पानी डाल डाल के उसको हम नरम कर देंगे ऐसे करके। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, थोड़ा 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 करके पानी डालकर ऐसे हम भुनेंगे। ये हो गया रेडी। अभी हम एक बाउल में ट्रांसफर कर दी हूँ, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर दूँगी। सच में गाइस आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ट्राई करके कमेंट जरूर करना कैसे लगा, कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि मेरा नया नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।